खबरों में बात करते हैं राजस्थान की कुचामन सिटी की, जहां पर कुचामन शहर में विभिन्न मार्गों पर सैकड़ों कमांडर गाड़ियां यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाती नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि अवैध रूप से सवारियां भी ढोती नजर आ रही हैं ये गाड़ियां। कई बार सड़कों पर हादसे की नौबत आने के बाद भी ये जीप चालक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ दिनों से परमिट पर चल रही निजी बस व रोडवेज बसों को भी इन गाड़ियों वालों ने राजस्व का भारी नुकसान पहुंचाया है। नगरपालिका क्षेत्र के अंदर इनको जहां तक का परमिट होता है वहां तक ये अपनी सवारियां उठाना करना और ये टाइम से पोल्यूशन और अपनी फिटनेस कराने का इनका होता है। कुछ यही तो इनके आज कार्रवाई करें तभी ये लोग इकट्ठे होकर आगे 40-50 आगे आपके सामने आगे साहब आप क्या करो करो। तो इनको मैंने कह दिया नीम से तुम डिफॉल्टर हो, तुम्हारे पास पर्सनल गाड़ी है अपनी फैमिली होने की है और जो 8 सीट से ऊपर है उस गाड़ी की फिटनेस होना जरूरी है, अगर नहीं होगी तो उसको लाके बंद कर देंगे। ऑटो लंबी दूरी की कई बार परिवहन करते हैं माल, अगर लंबी दूरी पे जाता है तो वो गलत है, उसको नगरपालिका क्षेत्र तक ही या उसका जो एरिया होता है वो एक परमिट होता है। ऑटो को ज़्यादातर नगरपालिका क्षेत्र के अंदर ही हमने परमिट नहीं, कई बार लोहे के सरिए ऐसे भरी सामान का तो उनका जुर्माना होता है, अगर वो हमें पकड़ माता है तो हम उनका वो बनाते हैं उसका वॉयलेंस ऑफ परमिट का, इनको परमिट जारी करते हैं, अगर वो परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उसका वॉयलेंस ऑफ परमिट का चलान होता है। से मुझे डीटीओ साहब ने भेजा कि कुचामन में सेम पोर्टल मुख्यमंत्री पोर्टल पर अवैध रूप से ये जो टैक्सी हैं और जीपें संचालित हैं, बस वालों ने शिकायत की कि साहब ये अवैध रूप से सवारियां ढोते हैं और ये हमारा मतलब कभी एक्सीडेंट हो जाएगा और हो जाएगा तो ब्रेन वाग जिम्मेदार है। उस संदर्भ में आज मैं इनको पहले मैं आया 15 दिन पहले समझा के गया कि भाई तुम लोग बंद हो जाओ, गरीब आदमी हो नहीं तो बंद हो जाओ हाई एंड रिवार्ड में, तो ये माने नहीं। तो आज मैंने इनको 5 जीपें हैं वो हाई एंड रिवार्ड में, जिसमें मैक्सिमम 10 से 22 से लेकर 10 तक सवारी अलग अलग सब जीपों मिली है और मैंने इनको ला के आज कुचामन केस में बंद कर दिया। अगर इन पर लगातार निरंतर कार्रवाई करते रहेंगे क्योंकि इनके पास पर्सनल नंबर की गाड़ी है, नहीं तो इनके पास परमिट है, नहीं ये भिन्न भिन्न जगह की सवारी हैं और ये 10-10, 20-20 रुपये की सवारी नहीं ले सकते। इनको समझा दिया कि या तो बंद हो जाओ नहीं तो इनको लगातार इनको बंद करेंगे क्योंकि इनकी शिकायत हो रही है ऊपर से और इनकी फिटनेस 10 more than 8 seat जो भी 8 सीट से ऊपर कमांडर वगैरह गाड़ी है इनकी फिटनेस होना कंपलसरी हमारे परिवहन विभाग के नियम से, लेकिन इनके पास किसी के पास फिटनेस नहीं है। जब भी पकड़ते हैं तो कैसे आप गरीब हैं, तो इनको भी ये भी समझा दिया कि सब गाड़ियों में फिटनेस होगी तो ही छोड़ेंगे, नहीं तो इनको सब चेक करेंगे धीरे धीरे। पिछले दिनों ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं 1 महीने से यहाँ कुचामन का मुझे एरिया दिया गया, पहले मैं DTO डीडवाणा और उस क्षेत्र में था, अभी मेरे को एक्स्ट्रा यहाँ का दे दिया, वहाँ तो मैं हूँ ही ऑफिस वर्क कर रहा हूँ। तो मैंने अभी 1 महीने में करीब करीब 15-1 लाख रुपए की यहाँ विदाउट टैक्स की गाड़ी हैं 11 लाख के लगभग की वो बंद की, 2 लाख की थी वो तो छूट गई, जिन तो मैंने बसें बंद की है। इसके अलावा मैंने आज भी 3 लाख रुपए के अंदर रजिस्टर्ड जैसे भी चल रही थी जिसका टैक्स बनता है हमारा 3 लाख, वो भी आज मैंने बंद किए। और यहाँ जो भी सरकार का रेवेन्यू या जो लॉस हो रहा है डिफॉल्टर जो भी है उनको नोटिस दिए मैंने 15-20 आदमियों को कि भाई तुम या तो टैक्स जमा करा दो अदरवाइज तुम्हारा खिलाफ कार्रवाई करके तुम्हारी संपत्ति अटैच करेंगे। जितनी भी है बसें सबको कम्प्लीटली चेक करें 1 by 1 और ज़्यादातर नहीं है, कोई 2-4 पुराने यहाँ अगर परमिट इधर से उधर चढ़े हुए हैं, बाकी बसें क्योंकि आपस में एक दूसरे के बहुत दुश्मन है ये कंपटीटर होते हैं तो शिकायत हो जाती है, तो बसें बिना परमिट की नहीं है, यहाँ पर कोई 1-2 थी वो बंद कर दिया हमने।